नमस्कार भाइयों और बहनों, डरिए मत, ये भाइयों और बहनों वो वाला नहीं है, ये हमारा भाइयों और बहनों है। कोक्स की एंटरटेनिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। कोक्स ने ये जो हास्य का, मनोरंजन का एक कार्यक्रम शुरू किया है, ये इस हास्य दुनिया में और डिजिटल दुनिया में एक सार्थक प्रयास है। आज कोक्स ने मुझे भी प्रस्तुति देने का मौका दिया है, इसलिए कोक्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मैं यही आग्रह करूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सबसे पहले लाइक करें, इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल का आइकन होता है घंटे वाला, उसे दबाएं। यूं तो इस डिजिटल दुनिया में हम लोग कई लोगों से जुड़े हुए होते हैं, उसी में डिजिटल दुनिया के मेरे एक मित्र हैं सलीम भाई, उनकी एक बात मुझे याद आ रही है। सलीम भाई क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, सामने एक बच्चा बैठा, सलीम भाई बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों से उसने पूछा, बताइए बच्चों नासा क्या होता है, नासा का क्या अर्थ है, NASA, नासा। एक बदमाश बच्चा सामने बैठा था मेरे जैसा, उसने कहा गुरुजी नासा का मतलब है जोधपुर में काम न करने का तरीका। जोधपुरी जब मना करते हैं किसी काम के लिए तो कहते हैं नासा माउंटों को नहीं वे, इसका नासा का अर्थ यही होता है। इसी प्रकार मेरे एक मित्र है एटर्नो वाले बाबा, एटर्नो वाले बाबा के साथ बैठ करके, उनके एटर्नो के बैठ करके मैं भी जा रहा था सिवाना से। जैसे ही हम निकले सिवाना के बाहर एक पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ पेट्रोल डीजल 24 घंटा उपलब्ध हैं। एटर्नो वाले बाबा खुश हो गए, मैं भी खुश, चलो यहाँ पे कम से कम पेट्रोल मिलेगा। गए पेट्रोल पंप पे, बोला उस भाई को, भाई पेट्रोल भर दे, भाई बोला आज पेट्रोल नहीं है। चलो हमने कहा कोई बात नहीं, तो ऐसा कर एक बोतल के अंदर डीजल भर के देते, हम घर पे जाके डीजल वाली कार ले आएंगे। वो बोला डीजल भी नहीं है। एटर्नो वाले बाबा बोला तो भाई उसको चॉइस को हटा देना, समझे? नहीं समझ में आया, आपकी तरह मुझे भी समझ में नहीं आया था। वो उसने लिख रखा था पेट्रोल डीजल 24 घंटा उपलब्ध है, चॉइस को एटर्नो वाले बाबा हटाएंगे तो लिखा हुआ है मिलेगा आपको पेट्रोल डीजल घंटा उपलब्ध है। एटर्नो वाले बाबा के साथ एक और वाकया हो गया। एक बार उनकी पत्नी ने उनको बोला कि चलो बहुत दिन हो गए कहीं पिकनिक पे गए नहीं, आज पिकनिक पे जाते हैं। बाबा जी उसको पिकनिक के लिए शमशान घाट लेके आ गए। पत्नी ने पूछा अरे ये किस जगह पे लेके आ गए? बाबा बोले, एटर्नो वाले बाबा बोले अरे पगली समझ ही नहीं रही है, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए और तू कह रही कहाँ लेके आ गए। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दुकान पे ग्राहक किस किस प्रकार के आते हैं। दुकान के ऊपर ग्राहक आते हैं, जैसे मित्र की दुकान हो वहाँ पे ग्राहक आएंगे, बोलेंगे मेरे ये चीज बनानी है। जैसे कोई आ गया जाति प्रमाण पत्र बनाना है, वो पूछेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको जैसे सामने बोर्ड के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए कि भाई ये ले आना। वो बंदा वहाँ पे पढ़ेगा कि आधार कार्ड लाना है, भामाशाह कार्ड लाना है, राशन कार्ड लाना है, जो जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज दो फोटो लाने हैं वो सब लाना है। उसने पढ़ लिया, उसको समझ में आ गया, फिर भी वो सर खाएगा, आकर के पूछेगा तो भाई साहब आधार कार्ड लाना पड़ेगा, कहीं भाई साहब भामाशाह कार्ड लाना पड़ी। अरे भाई उसने लिखा हुआ है भामाशाह कार्ड लाना है तो लाना है, तो इसमें बार बार पूछने की क्या आवश्यकता। एक बंदे ने तो हद ही कर दी, रात को 11 बजे फोन करके पूछता है भाई साहब मारे वो गाँव वालों मैसेज को नहीं आया, बिन्नो कहीं करो मैं भाई साहब गाँव रिजो को बोली तू ले रहा है वाजहन पाछ पटक दे बटे, यहाँ पर मारे घर पुगा दे, मैं तेरा मैसेज भेज दूँ ला। गर्मी बहुत है, इस गर्मी में बादल भी उस फूफा की तरह है जो शादी में आते तो है, घूमते तो हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं, वैसे ये बादल घूम रहे हैं, गरज रहे हैं लेकिन बरसने का कोई नामो निशानी नहीं है। एक और बात मेरे को भी याद आ रही है कि एक बार महेंद्र जी गाँव में आए, अरे वो महेंद्र जी पटवारी साहब गाँव में आए, उनके पास थी गाड़ी। हुआ ये कि एक कुत्ता, वो जो वाइट गाड़ी को देखते उसके पीछे भागता था, अब पटवारी साहब गाड़ी में जा रहे हैं, कुत्ता भाग रहा है उनके पीछे, पटवारी साहब गाड़ी भगा रहे हैं फिर भी कुत्ता उनके पीछे भाग रहा है। वो नीचे उतरे, सोचा कि नीचे उतर करके कुत्ते को एक लकड़ी वगैरह मारूंगा तो ये यहाँ से भाग जाएगा। पटवारी साहब के नीचे उतरते ही उन्होंने ली लकड़ी हाथ में, अब कुत्ता उनके और पीछे भागने लगा, पटवारी साहब गाड़ी को छोड़ करके ऐसे ही भागने लगे, भागते भागते एक पेड़ आया, पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहाँ चढ़ करके बोले साले अगर तेरे पास एक इंच भी जमीन होती तो तेरे को बताता कि तूने किससे पंगा लिया है, तूने पटवारी महेंद्र से पंगा लिया है। हमारे गांव की भी अजीब बातें हैं, अभी नए नए वकील साहब बने, उनके पास एक शराबी गया, शराबी जाकर के बोला वकील साहब को, बोला वकील साहब मैं रोज राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शराब के ठेके से शराब लेता हूँ जिस पर GST कटता है,
वो जीएसटी गवर्नमेंट में जमा होता है, जिससे विकास कार्य होते हैं और उस विकास से देश का विकास होता है, राज्य का विकास होता है, गाँव का विकास होता है। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मुझे शराब पीने से रोकती है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने के जुर्म में मैं अपने पत्नी को गिरफ्तार करवा सकूं? वकील साहब के 3 दिन से मेरे पास फोन आ रहे हैं महेंद्र जी के कि यार उस शराबी के दिमाग में इतना खतरनाक आइडिया आया कैसे, ये सोच सोच कर वकील साहब परेशान। मारवाड़ियों के किस्से अजीब ही होते हैं। एक मारवाड़ी ट्रेन में सफ़र कर रहा था, पास में एक अंग्रेज बैठा, आपस में बातचीत हुई थोड़ी बहुत वो अंग्रेजी समझ रहा था मारवाड़ी, और उसने जैसे तैसे टूटा फूटा जवाब दिया। वो दोनों आपस में जो बात कर रहे हैं उसका मैं मारवाड़ी रूपांतरण सुना रहा। अंग्रेज ने पूछा कि भाई साहब आप क्या काम करते हो? मारवाड़ी ने पहले पूछा भाई साहब थे का ही काम करो? अंग्रेज बोला मैं एक बड़ा बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। मारवाड़ी ने कहा मैं किसान हूँ। कितनी पढ़ाई की है? तो मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, बहुत कॉलेजों में गया हुआ हूँ, ये वो ऐसे बड़ी बड़ी मारवाड़ी तो गप्पे आँकने में माहिर ही होते हैं, वो गप्पे आँकने लगे। अब अंग्रेज ने उसको पूछा कि अच्छा इतने पढ़े लिखे हो, बताओ न्यूक्लियर पावर का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियर पावर के बारे में मेरे को समझाओ। मारवाड़ी ने थोड़ी देर सोचा, सोचता रहा। सोचने के बाद वो बोला कि चलो मैं आपकी बात का तो जवाब दे दूंगा, लेकिन एक बात मेरे को बताओ कि मंदिर का घंटा जो होता है उससे चर्च का घंटा बड़ा क्यों होता है? अंग्रेज सोचने लगा, उसको जवाब आया नहीं। उसने पूछा भाई साहब मेरे को पता नहीं। मारवाड़ी ने एक लफ हमारा बोला साले पता तेरे को घंटे का भी नहीं है और बात न्यूक्लियर पावर की करता है। अब अंत में 2-4 बातें और बता करके मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक और मारवाड़ी की बात बता रहा हूँ। मारवाड़ी क्या होते हैं, अपने कोई भी जैसे योजना वगैरह आती है तो उसका नाम अपने हिसाब से बना लेते हैं। अभी बहुत समय पूर्व एक योजना आई थी भामाशाह योजना, अब मारवाड़ में वो भामाशाह योजना नहीं है, भोमा योजना है, उसको भोमा कार्ड बोलते हैं। भामाशाह कार्ड नहीं है वो, मारवाड़ी के लिए भोमा कार्ड है। एक और योजना अभी प्रधानमंत्री ने चलाई, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना। हमारे मारवाड़ियों के लिए वो 6000 वाला फॉर्म है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना नहीं है, 6000 वाला फॉर्म है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे 6000 वाला फॉर्म भरना है। अब ये 6000 वाला फॉर्म क्या, फिर आप बाद में समझ में आता है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरने की बात कर रहा है। और अभी कुछ समय पहले हमारे एक इंडसइंड बैंक ने अभी तो कुछ समय पूर्व योजना शुरू की थी, उसने सभी बैंक ई मित्रों को भी सी दी और उसने सबके घर पे वो ATM कार्ड भेज दिए। अब इंडसइंड बैंक का तो आपको पता है बैलों वाला निशान। अब उस कार्ड को लोग क्या कहते हैं, ATM कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, ये कार्ड कौन सा है, बड़ों वालों कार्ड, हमारा बड़ों वाला कार्ड रुपया निकालना है। अजीब किस्से मारवाड़ी हो गए। एक मारवाड़ी आया बोला भाई साहब निकालते हो, समझ नहीं क्या निकालना है। बोला भाई साहब अंगूठे से पैसा निकालते हो? मैं हाँ बिल्कुल निकालता हूँ। मारवाड़ी था, गाँव का ही था। पूछा मैंने कहा कौन से बैंक से पैसा निकालना है? भाई साहब बोला चड्डी फंसी बैंक से। मैंने कहा ये चड्डी फंसी बैंक कौन सा है, आज तक इस बारे में नाम नहीं सुना। गूगल पे सर्च किया सब जगह, ये 2-4 मेरे मित्र वाले भाइयों को उनको भी पूछा मैंने फ़ोन करके, मैंने कहा ये चड्डी फंसी बैंक कौन सा है, वो भी नहीं समझ पाए। आखिर में मैंने उसको बोला भाई साहब तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कौन से बैंक का भाई? उसने अपनी पासबुक निकाली, देखा मैंने HDFC बैंक। अजीब बात है मारवाड़ियों की, यही होता है। और एक बात बचपन की याद आती है, मंदिर के बारे में तो आजकल हमें पता नहीं, लेकिन बचपन में जब एग्जाम देने जाते थे सब पता होता था रास्ते में कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, सब जगह धोख दे के जाते थे। अभी तो पता ही नहीं है कौन सा मंदिर कहाँ है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जिंदगी से तौंद और किस्मत से गम आसानी से नहीं जाते। नमस्कार, आपने मेरा वीडियो देखा, अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अगर आपको ये पसंद नहीं आया डिसलाइक करना चाहते हो तो मोबाइल को उल्टा कीजिए फिर डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटे वाला बटन जरूर दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। पुनः नमस्कार।